हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों LDCA JL और लेखाकार के पदों पर भर्ती होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि कितने पदों पर ये भर्ती होगी, किन किन किस डिपार्टमेंट में होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। 27 नगर पालिकाओं, 2 नगर परिषदों के लिए 251 पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 27 नवगठित नगर पालिकाओं और 2 क्रमोन्नत नगर परिषदों में विभिन्न स्तर के 251 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से नई पालिकाओं व परिषदों में कार्यों का सुचारू संचालन होने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार नवगठित नगर पालिकाओं में कुल 243 पद सृजित होंगे। इसमें कनिष्ठ सहायक के 54 पद व अधिशासी अधिकारी, चतुर्थ सहायक, राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ स्वायत्तशासन विभाग ने नवगठित नगर पालिकाओं के लिए 9 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन भेजा था। तो दोस्तों इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कनिष्ठ लेखाकार और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 54 पद हैं, अधिशासी अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ अभियंता यानी जयन, स्वास्थ्य निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक और नक्शा नवीस एवं सर्वेक्षक के 27 पद यहां पर शामिल है। तो टोटल ये 251 पदों पर यहां पर भर्ती होगी, इसकी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जल्द ही इन 251 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। क्रमोन्नत नगर परिषदों में आयुक्त सहायक, अभियंता सिविल सहायक, लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 2-2 पदों सहित कुल 8 पद सृजित होंगे, यानी टोटल 251 पदों पर यह भर्ती होने वाली। जल्दी इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि कौन इसका एग्ज़ाम करवाएगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा। जो भी होगा ये पूरी यहाँ पर जानकारी आपको हमारे चैनल पर दे दी जाएगी। तो 251 पदों पर यहाँ पर भर्ती को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। एग्ज़ाम करवाते हैं या फिर डायरेक्ट ये भर्ती होती है, किस प्रकार इसका आयोजन होता है, तो इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।